नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रोहित और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो हमारे सीरीज चलाए थे मैंने हिंदी की, इसके तहत मैं जो है संज्ञा टॉपिक पूरा करा चुका हूँ, जिसके तहत मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं। नहीं देखे आई बटन में आपको उन 5 वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि भाई व्यूज़ तो कम आते हैं लेकिन भाई तैयारी भी आपकी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस क्लासेस को कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की, लेकिन डिस्टर्ब हो सकता है लेकिन टॉपिक जो है कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों, संज्ञा टॉपिक के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सर्वनाम की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ आपको समझना है कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी जैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ था नाम, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ था नाम, वैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम। अब जैसे एक उदाहरण है, विष्णु विद्यालय जाता है वह वहाँ पढ़ता है। अब देखो एक बात सुनो, विष्णु विद्यालय जाते हुए वहाँ पढ़ता है। अब देखो विष्णु क्या है, संज्ञा है, विद्यालय क्या है, संज्ञा है, और हमने अभी अभी परिभाषा में पढ़ा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम। विष्णु विद्यालय दोनों संज्ञा है, वहाँ विष्णु विद्यालय जाते हैं वहाँ, वहाँ वह पढ़ता है। अब देखो विष्णु के स्थान पर तो वह है और विद्यालय के स्थान पर वहाँ, ये दोनों शब्द दोस्तों सर्वनाम है। ये दोनों शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो आगे ना संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो विष्णु के स्थान पर वह सर्वनाम का और विद्यालय के स्थान पर वहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके ये हमने आपको उदाहरण में परिभाषा समझा दी कि जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर जो शब्द आते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे विष्णु के स्थान पर वह और विद्यालय के स्थान पर वहाँ। एक नोट योग्य बात है कि सर्वनामों का लिंग कभी भी नहीं बदलता, यानी सर्वनामों का जो लिंग है वह कभी भी नहीं बदलता, यह आपको नोट योग्य बात है। इनकी संज्ञा हिंदी में 11 होती है। अब देखो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, अगर पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तो हिंदी में 11, और सर्वनाम के प्रकार पूछे तो वो होते हैं 6, यानी ये दो भेद है, आपको यह याद रखना है। अगर पूछे कि सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितनी है, 11, और सर्वनाम के प्रकार पूछे तो कितने हैं, 6, संख्या 11, प्रकार 6। अब देखो प्रकार, एक तो है मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आ, ये प्रकार है सर्वनाम की संख्या, यानी ये सर्वनाम की 11 संख्या है। यानी जो 6 सर्वनाम आप पढ़ोगे, इन 6 सर्वनाम आपको मैं भी मिलेगा, तू भी मिलेगा, यह भी मिलेगा, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप, ये 6 सर्वनाम में आपको कहीं ना कहीं एक आधे शब्द, एक या एक से ज़्यादा भी शब्द मिल जाएंगे, यानी ये 11 शब्द आपको उन 6 सर्वनामों में मिलेंगे। आप देखो हिंदी में कुल सर्वनाम के प्रकार हैं 6, 6 देख लो। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निश्चयवाचक और छठा है अनिश्चयवाचक। तो ये है आज का हमारा सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण, उनके संख्या और प्रकारों के भेद। कल से जो है हम सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा देख लो, सर्वनाम की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जैसे विष्णु विद्यालय जाता है वहाँ वह पढ़ता है, तो विष्णु के स्थान पर वह है और विद्यालय के स्थान पर वहाँ सर्वनाम प्रयुक्त हो गया। नोट में आने याद रखनी है कि सर्वनाम का लिंग कभी भी नहीं बदलता। सर्वनाम की संख्या 11, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। सर्वनाम के प्रकार 6, पुरुष, निज, प्रश्न, संबंध, निश्चय, अनिश्चय। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।